हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो, जैसे आप टाइटल में पढ़ रहे हैं, इज रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट द गेम, हाउ टू प्रोग्रेस क्विकली। सो बेसिकली ये दो टॉपिक पे हम बात करेंगे आज के वीडियो में, एंड वी गोना डिस्कस अ लॉट ऑफ की आइटम्स इन डेप्थ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो, आराम से सुनो, अच्छे से सब कुछ देखना और सब कुछ सुनना। तो सबसे पहली बात आती है गाइज चैंपियंस के बारे में, राइट? सो यू नीड चैंपियंस टू ग्रो, तो आपको 5-star shard, 6-star shard, 4-star shard चाहिए होते हैं, एंड दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस इन द गेम। आप एक चैंपियन कलेक्ट करते हो, उसको ड्यूप करते हो, तो उसके सिल्वर स्टार्स आते हैं, विच इज़ एन अवेकेंड चैम्पियन। और जब वो ड्यूप होता है बाय गेटिंग अ क्रिस्टल, गेटिंग द चैम्पियन इन द क्रिस्टल, तो आपको मिलता है साथ में बहुत सारा आइसो, अगर 4-star चैम्पियन या 5-star चैम्पियन है, और आपको मिलता है बहुत सारा गोल्ड। सो बेसिकली पर एट द सेम टाइम काफ़ी लोग होते हैं जो इंटाइस होते हैं ये बटन पे जाने के लिए, जो है सेल। वो कह रहा है कंटिन्यू, यू आर अबाउट टू सेल अ 4-star चैम्पियन। इसमें आपको सिर्फ मिलता है 675 4-star shards, बट यू लूज द अपॉर्चुनिटी, और आपको मिलते हैं 5,000 टीयर फोर का आइसो, जिसकी 7 ब्रिक मिलती है। बट अगर आप इसको 4-star चैम्पियन को ड्यूब करेंगे तो आपको 24 ब्रिक्स मिलेंगी इसकी, और आपको 100-200 के गोल्ड मिलता है। 100-200 के तो नहीं, मतलब हर ड्यूब का आपको काफ़ी गोल्ड मिलता है, और 275 मिलते हैं आपको 5-star shards, तो यू विल लूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोग होते हैं जो चैम्पियंस अपने 4-star बेचते हैं ताकि उनका 5-star जल्दी बने, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट। अगर आप वो कर रहे हैं, आप एक्चुअली अपने अकाउंट का डी प्रोग्रेशन कर रहे हैं रादर देन मूविंग फॉरवर्ड, यू आर गोइंग बैकवर्ड्स। आप नया 5-star तो ले लेंगे, बट जब आप 4-star चैम्पियंस खोलेंगे और आपको फिर से ये चैम्पियन मिलेगा, तो आपको बुरा लगेगा कि काश आप उसको बेचते ना, और उससे आइसो कलेक्ट करते और उससे गोल्ड कलेक्ट करते, एंड या यू वुड हैव बेनिफिटेड मोर बाय नॉट सेलिंग द चैम्पियन। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज नेवर सेल चैम्पियंस। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं जो देना चाहता हूँ वो है यूनिट्स के बारे में। मैं शुरू से ही अपने वीडियोस में बोलते जा रहा हूँ कि यूनिट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, उसको होल्ड क्यों करें, कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो यूनिट्स को आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए, सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए वो है मास्टरी पे सबसे ज़्यादा यूनिट आपके लगेंगे प्रिसिजन में, और आपके सबसे ज़्यादा लगेंगे यूनिट्स क्रूएल्टी पे। तो यहाँ पे 125 लगते हैं, शायद 135 वो छोटा वाला स्टोनी कोर लगता है, सो इनटू 5 135, और नीचे वाला 135 इनटू 5। इससे क्या होता है गाइस, इससे क्रिटिकल रेटिंग आपके चैंपियंस की बढ़ती है बाय 425 पॉइंट्स। व्हाट इज़ क्रिटिकल रेटिंग, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या है इसमें, क्यों लगाना है हमें, क्यों लगाना है आपको, क्योंकि क्रिटिकल रेटिंग का ये मतलब होता है कि जो येलो वाला नंबर आता है, जिस फॉर एग्जांपल कॉर्वस ग्लेव के गारंटीड क्रिटिकल हिट्स हैं, राइट? तो वो जो येलो नंबर आता है उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं फॉर अ रेगुलर चैम्प टू गेट, तभी ये प्रिसिजन इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके क्रिट हिट्स ज़्यादा लगेंगे और आप जल्दी मार पाएंगे डिफेंडर को। दूसरा होता है क्रिटिकल डैमेज रेटिंग। सो बेसिकली जो वो येलो नंबर आता है, क्रिटिकल डैमेज जिसको कहते हैं, वो वाला वैल्यू काफ़ी बढ़ा देते हैं बाय 475 अगर हम ये मास्टरी लेते हैं, राइट? वैसे ही सिमिलरली दूसरा पैसे खर्च करने वाला आता है गाइस आपका, आई थिंक पैरी में थोड़े बहुत खर्च करने होते हैं, डेक्सटेरिटी में थोड़े खर्च करने होते हैं, पर वो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजर आता है यूनिट स्पेंड करने वाला, आई थिंक ये वाला जो मैंने अभी तक अनलॉक नहीं किया विल पावर के लिए, बट काफ़ी लोग करते हैं विल पावर, जिसका मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर डीबफ लगाए तो आप अपना हेल्थ रीजनरेट करेंगे। सो इट्स वेरी यूजफुल फॉर चैम्पियंस लाइक
कॉर्वस ग्लेव एंड्रॉयड मैग्नेटो जो प्लेड इम्यून है, और अगर आप सुसाइड्स कर रहे हैं तो आप हेल्थ रीजनरेट करेंगे रादर देन लूजिंग हेल्थ, एंड विच इज़ गुड फॉर सर्टन कंटेक्स्ट, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट अ डिफरेंट सेट ऑफ मास्टरीज. बेसिक मास्टरी के लिए ही आपको काफ़ी यूनिट्स लग जाते हैं. आई थिंक ग्लास कैनन में भी लगते हैं, अगर आप जाके चेक कर लीजिए, आई प्रीटी श्योर उसमें भी लगते होंगे. एंड देन डीप वूंड्स और असैसिंस में भी लगेंगे आपके यूनिट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास्टरी सेटअप बेसिक वाली तो अच्छे से सेट करनी है, दैट इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस. सेकेंडली काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छा स्टोर है तो फ्री टू प्ले प्लेयर भी तो यूनिट्स अरीना वरीना करके कलेक्ट कर सकता है. या बट फॉर एग्जांपल जैसे आज कल ये फीचर्ड आइटम स्टोर आया हुआ है, उसमें आप इसके लेते हैं 5-star शार्ड्स, लेट्स से 15-19 ले लेते हैं एक बार, तो आप 2378 यूनिट्स खर्च करेंगे टू गेट अबाउट 20 कर देता हूँ उसे 25,000 5-star शार्ट्स, राइट. अगर आप जाएं अपने कंटेंट में और अगर आप देखेंगे लेट्स गो टू बैक इशूज, यू गो टू एनी ऑफ द वेरियंट, यू विल सी कि वेरियंट में गाइज रिवॉर्ड्स बहुत बढ़िया होते हैं और आपके 1,000-1,200 यूनिट से ज़्यादा नहीं लगेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 यूनिट लगेंगे. ऑब्वियसली यू नीड टू बिल्ड अ टीम टू डू वेरिएंट, तो उसके लिए तभी मैं रेकमेंड करता हूँ कि अपने यूनिट्स बचा के रखो, जो मेरे पास अभी 4,412 हैं, कि जैसे ही मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी दैट आई हैव अ टीम देन आई विल गो फॉर दिस गाइस. इसका कंप्लीशन एक्सप्लोरेशन करूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1,500 यूनिट लगते हैं, 2,000 लगते हैं अगर आपके पास ज़्यादा स्टैक्ड रोस्टर नहीं है. बट रोस्टर धीरे धीरे ही बिल्ड होगा. तो इफ़ आई गो बैक टू पॉइंट नंबर वन था नेवर सेल चैम्प्स. अगर आप चैम्पियन नहीं बेचेंगे, आप जल्दी ड्यूप करेंगे, जल्दी शार्ट्स हासिल करेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग बेटर चैम्प्स इन द फ्यूचर एंड विच विल हेल्प यू डू वेरियंट. एंड यूनिट्स आर टू बी स्पेंट ऑन वेरियंट एंड डिफ़िकल्ट कॉन्टेंट लाइक Act 6.1 का बॉस विच इज़ सेंटिनल. Act 6.1 में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट फाइट्स आती हैं, तो उसके लिए खर्च करने के लिए आपको ज़रूरी रखनी होती हैं. ऑलराइट, सो माई थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप और ट्रिक वीडियो का है कि ये जो आप नीचे देख रहे हैं फ्री क्रिस्टल क्लेम करने का, ये आप जब आपको मौका मिले, जब भी आप लॉग इन करें गेम में, हमेशा क्लेम करेंगे ऐसे से. डोंट वेस्ट आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस विल हेल्प यू सेव यूनिट्स ऑन हेल्थ पॉट या रिवाइव मिल जाते हैं इसमें. आप देख रहे हैं मेरे पास 276 हैं ये, और ये मैं जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी डिफ़िकल्ट कंटेंट कर रहा हूँ मैं Act 6.1, तब मैं इनको पॉप करूँगा फॉर हेल्थ पॉट्स फॉर रिवाइव्स. और इसको होल्ड करके रखो, अगर आप इसको साथ के साथ खोलते रहेंगे तो आपके ओवरफ्लो में चले जाएगा गाइस वो, एंड इट्स गोइंग टू कॉज यू अ पेन, अ लॉट ऑफ पेन एंड मिजरी जब वो लैप्स कर जाएगा, जैसे कि मेरा लैप्स कर जाते हैं. अभी मैंने जब वो किया था बॉस रश तो मेरे यूटिलाइज हुए थे काफ़ी सारे. सो या दैट इज़ माय थर्ड टिप कि जो आपका डेली वाला क्रिस्टल होता है और जो 4 hours में आता है, जो अभी ये कह रहा है 3 hours 23 minutes, वो आप जब भी लॉग इन करें क्लेम करें. माय फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस इज अबाउट अलायंस क्वेस्ट. अलायंसेस के बारे में, अगर आप अनकलेक्टेड नहीं हैं तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इज़ टू बिकम अनकलेक्टेड, राइट. तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको आपको रोस्टर बढ़ाना है, आपको रैंक अप करना है. तो रैंक अप करने के लिए आपको सबसे बेनिफिशियल स्टोर होता है ग्लोरी स्टोर. सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गेट रिसोर्सेज टू रैंक अप योर 4-star चैम्पियंस टू डू अनकलेक्टेड. तो आपका जब वो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट हो जाता है, यू वॉन्ट टू बिकम कैवेलियर, राइट. हर बंदा प्रोग्रेस ऐसे ही करता है अकाउंट्स में अपने. तो कैवेलियर बनने के लिए भी आपको ग्लोरी चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अपने 5-star अब रैंक अप करने हैं, Rank 4 तक, Rank 5 तक. तो अनकलेक्टेड बनते ही आपको ये बहुत सस्ते मिलते हैं रैंक अप रिसोर्सेज, एंड यू आर एबल टू रैंक अप योर 5-star चैम्प्स रियली क्विकली. क्योंकि अनकलेक्टेड तक आप 4-star चैम्प्स पर ध्यान दे सकते हैं, बट उसके बाद आप मैप
उसके बाद आप ध्यान दें सिर्फ 5 और 6 स्टार चैंप्स पे, और उनको रैंक अप, उनको लेवल अप करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, राइट। तो अलायंस क्वेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ग्लोरी मिलती है, आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं मैप 4 मैप 5 वाले, जिसमें आपको काफ़ी रैंक अप मटेरियल मिलता है। अगर मैं जाकर दिखाऊँ आपको, मैंने एक भी नहीं खोला होगा शायद, राइट। लेट्स गो, वेयर इज इट, मैप 3 तो बहुत पुराने हो गए, मैप 4 अलायंस क्वेस्ट में के पड़े हैं मेरे पास। इसमें आपको T4 बेसिक क्लास कैटलिस्ट के बहुत मिल सकते हैं, तो आज यू विल बी एबल टू रैंक अप इवन बेटर। इसमें आपको T2 अल्फा भी मिलता है मैप 5 वाले क्रिस्टल्स में, एंड जैसे आप देख रहे हैं T4 क्लास कैटलिस्ट क्रिस्टल 32 पड़े हैं, गारंटी T4 क्लास कैटलिस्ट मिलता है। ये कहाँ से लिए मैंने? ग्लोरी स्टोर से गाइज, हर हफ्ते मैं 2 खरीद लेता हूँ। सो एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब मेरे को कोई चांस दिखता है कि मेरे को रैंक अप करना है तभी मैं रैंक अप करता हूँ। सो अलायंस क्वेस्ट खेलना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप मैप 2 खेल रहे हैं तो मैप 3 खेलने की कोशिश करें, अगर मैप 3 खेल रहे हैं तो मैप 4 खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ग्लोरी इज गिफ्टेड विद वीकली बाय प्लेइंग अलायंस क्वेस्ट गाइस, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू प्रोग्रेस फास्टर। नेक्स्ट पॉइंट है जो अभी मैं बोल रहा था, टेप एंड ट्रिक वाला, जो मैंने अलायंस क्वेस्ट के साथ ही निपटा दिया, वो था मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है वो बिकमिंग अनकलेक्टेड। तो हर प्लेयर का ऑब्जेक्टिव जो भी गेम में आता है उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अनकलेक्टेड बने, फिर उसके बाद सोच सकते हो कि आप अलायंस किसी ऐसी अलायंस को ज्वाइन करो जो वॉर्स भी खेलती हैं। बट बिफोर बिकमिंग अनकलेक्टेड, अगर आप वॉर भी खेल रहे हो, अलायंस क्वेस्ट भी खेल रहे हो, तो आपको क्वेस्टिंग का टाइम नहीं मिलता। सो आई विल रिकमेंड कि अनकलेक्टेड बनो पहले, फिर उसके बाद वॉर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, उससे पहले अलायंस क्वेस्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करो गाइज। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन मैंने इसे थोड़ा सा पहले भी बात किया था चैम्पियंस के बारे में, अभी जो मैं अलायंस क्वेस्ट के बारे में बात कर रहा था, इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेस्ट चैम्प्स ओनली। अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि जब आप रैंक अप लेवल अप करते हैं, रादर देन रैंकिंग अप 4 स्टार 3 स्टार चैंपियंस, आप जो जो आपके टॉप के चैंप हैं, जो आपको लगते हैं बहुत बढ़िया डैमेज दे रहे हैं, उन पे ही सारे अपने आईएसओ रैंक अप मटेरियल लगाएं, और 4 स्टार को भूल जाइए अगर आप अनकलेक्टेड हो चुके हैं। अगर आप अनकलेक्टेड नहीं हुए और अनकलेक्टेड के लिए पुश कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई गॉड टियर 5 स्टार है तो उस पे करें, वरना कोई गॉड टियर 4 स्टार पे ही रैंक अप मटेरियल लगाएं, ताकि आप अनकलेक्टेड आराम से बन पाए गाइस, राइट। एंड इसी से कनेक्टेड पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 जो है कि प्लीज़ डोंट रैंक अप यूजलेस चैम्पियंस 4 स्टार, क्योंकि 4 स्टार को अगर आप रैंक अप करते हैं तो गाइज वो आपका T4 बेसिक खा जाता है, T4 क्लास कैटलिस्ट खाता है, T1 अल्फा खाता है, जो बहुत ही किल्लत में रहता है। सो येस, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेज ऑन 4 स्टार चैम्पियंस। 5 स्टार में अगर आपके पास अच्छे नहीं हैं, मिल जाएंगे धीरे धीरे, बट जब तक नहीं मिल रहे तब तक आप कॉन्सेंट्रेट करो कि जो है अच्छा 5 स्टार आपके पास उसको ही रैंक अप करें, वरना सेव करो अपने रिसोर्सेज। कोई जल्दी नहीं है कि आपको रैंक अप करना है, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि आपको कबैम अबंडेंट में T4 कैटलिस्ट फ्री में दे रहा है। मत खोलो क्रिस्टल्स, मत खोलो मैप 4 मैप 5 क्रिस्टल्स, मत खोलो T4 क्लास कैटलिस्ट क्रिस्टल रादर, एंड आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट 4 स्टार या 3 स्टार पे करो। सो या मतलब वो आप बाद में जब कर सकते हैं, जब आपके पास गोल्ड ऐसा हो, जैसे अभी मेरे पास 9 मिलियन गोल्ड है, सो आई कैन प्रोबेबली नाउ स्टार्ट रैंकिंग अप 4 एंड 3 स्टार चैंपियंस, बट मैं अपना T4 बेसिक और T4 क्लास कैटलिस्ट बचाऊंगा गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं आपको वो ही सलाह दूंगा कि 4 स्टार को मत करो, जैसे निक फ्यूरी है, निक फ्यूरी आई माइट डू हिम टू रैंक 5 बिकॉज ही इज़ वेरी गुड, पर मेरे पास डीप फोन की मास्टरी नहीं है और मैं सोच भी नहीं रहा अभी करने के लिए, सो आई एम नॉट गोइंग टू रैंक हिम अप। और मैं कोशिश करूंगा कि या तो मैंने सुना है डेड एवल बहुत अच्छा है, इसको लेके जाऊँ ऊपर, देखेंगे, दैट विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो, बट
अभी तक के लिए मैं अपने 4 स्टार्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा। इन सबको भी जो मैंने 4 स्टार किए थे इनको रैंक अप इसलिए किया था क्योंकि मेरे को अनकलेक्टेड बनना था एंड दीज गाइज हेल्प मी अलॉट। आपने सारे वीडियोज़ देखे हैं मेरे अनकलेक्टेड वाले, रेड हल्क मैंने सब में यूज़ किया है, एगॉन यूज़ किया है, स्पाइडरमैन नहीं किया था शायद ये AQ के लिए किया था इसे रैंक अप, वेनम बहुत यूज़ किया है, हाइपीरियन बहुत यूज़ किया है, तो तभी इन्हें मैंने रैंक अप उस टाइम पे किया था और उस टाइम के लिए मेरे को ये 3 लगे थे इम्पॉर्टेंट जिनको मैं मैक्स आउट करूँ। कॉवस के लिए मैंने इसलिए किया है अगर मेरे पास डॉक्टर डूम भी आएगा तो उसको भी 4 स्टार में रैंक अप करूँगा बिकॉज ही डिजर्व्स इट, दे आर द बेस्ट इन द गेम। कॉवस के लिए डॉक्टर डूम द 1 or 2 or 5 चैम्पियंस विच रियली डिजर्व इट आर प्रॉबली कॉर्वस ग्लेव एंड डॉक्टर डूम, राइट? इवन निक फ्यूरी डज, बट अभी नहीं करूँगा मैं। निक फ्यूरी मेरा टॉप का चैंपियन होता था एक पॉइंट पे, पर तब भी नहीं करूँगा मैं गाइस। ओके सो आई थिंक आई वॉज एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट्स नंबर 6 and 7 की कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेस्ट चैम्प्स एंड 7 है डोंट रैंक अप यूजलेस चैम्प्स लाइक 4 स्टार्स, अपने रिसोर्सेज बचा के रखो। अगर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो है पॉइंट नंबर 8, दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अरीना खेलो। अगर आपके पास टाइम है करने के लिए तो अरीना खेलो और यूनिट्स जोड़ते रहो। यूनिट्स ही नहीं, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है, आपको बैटल चिप्स मिलते हैं जिससे यूनिट्स मिलेगा या फिर एनर्जी रिफिल मिलेगी, आपको प्रीमियम हीरो क्रिस्टल्स मिलेंगे जो आपको 2 स्टार चैम्पियंस देगा, जिस जो ड्यूप होंगे तो आपको 3 स्टार शार्ड्स मिलेंगे, 3 स्टार चैम्पियन भी देता है, 4 स्टार चैम्पियन भी देता है प्रीमियम हीरो क्रिस्टल, तो वो ड्यूप होंगे तो आपको 5 स्टार शार्ड्स मिलेंगे, और 5 स्टार शार्ड्स मिलेंगे तो आपका 5 स्टार का रोस्टर काफ़ी इम्प्रूव होगा। मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं होता खेलने का तो मैं बेबी अकाउंट में नहीं खेल रहा अभी, आजकल मैं बड़े अकाउंट में भी नहीं खेल रहा, बट खेलना चाहिए आपको अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको स्टोरी इवेंट क्वेस्टिंग में भी काफ़ी यूनिट्स मिलते हैं, शार्ट्स भी मिलते हैं। उसके लिए मैंने यूनिट्स वाला वीडियो अपने बिगिनर्स प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अगर आपको देखने हो जाके देख लीजिए, उसमें एक्सेल शीट भी दी हुई थी। सो या दैट वॉज पॉइंट नंबर 8 के अरीना अगर खेल सकते हो खेलो, उसमें बैटल चिप्स मिलती हैं, प्रीमियम हीरो क्रिस्टल मिलते हैं और यूनिट्स तो मिलते ही हैं, और बैटल चिप्स से आप जाके यूनिट्स और ले सकते हैं बाय ओपनिंग योर अनकलेक्टेड अरीना क्रिस्टल्स। अभी मेरे पास सिर्फ 200 के बैटल चिप्स हैं, ये मेरे को अलायंस क्वेस्ट से मिलती रहती हैं, हर रोज़ मैं अलायंस क्वेस्ट खेलता हूँ तो उससे मिलती हैं, एंड वो जब ये मेरा 1 मिलियन हो जाएगा तब मैं शायद सबके सब अनकलेक्टेड खोलूँगा और आपके लिए वीडियो भी बनाऊँगा, बट या सो पॉइंट नंबर 8 इज़ डन। एंड पॉइंट नंबर 9 गाइज, अगर आपने मेरा डेली रिवाइव वाला वीडियो देखा है, रिवाइव एंड यूनिट फार्मिंग वाला वीडियो, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके इवेंट्स आते हैं जिसमें आपको हर रोज़ एक लेवल 1 रिवाइव मिलेगा और आपको 25 यूनिट मिलेंगे, और आपको एक मिलेगा T3 हेल्थ पोशन, और आपको मिलेगा 5 स्टार सिग्नेचर स्टोन ऑल्सो क्रिस्टल। तो या तो आपको ये गेम से हर रोज़ मिलता है, जैसे आज लेवल अप इवेंट आया तो आज मैं कॉन्सनट्रेट करूँगा लेवल अप करने के लिए। उस वीडियो में अगर आप मेरे बिगिनर्स प्लेलिस्ट में जाके वो डेली रिवाइव एंड यूनिट फार्मिंग वीडियो देखेंगे, मैंने बाकी इवेंट्स भी दिखाए हैं 22 आवर वाले, 22H लिखा है उसके नीचे लेवल अप लिखा है, उसमें आता है हीरो यूज़ और अरीना विंस। तो अगर आपके पास टाइम है तो कॉन्सनट्रेट करो कि कौन सा वाला इवेंट चल रहा है, उसके हिसाब से अपना गेम खेलो, और ये जो मोड लिखा है पॉइंट्स, ये कोशिश करो कि आप ये पढ़ के हीरो यूज़ में मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, अरीना विंस में मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, और अगर आप यूनिट के लिए नहीं पुश कर पा रहे तो रिवाइव के लिए तो करो, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए नहीं होते रिवाइव के लिए। आप मेरा वो वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ एज पॉइंट नंबर 9 कि कॉन्सनट्रेट करो 22 आवर्स इवेंट पे, 8 आवर वाला इवेंट आता है उसको भी, 7 आवर सोलो इवेंट आता है उस पे भी कॉन्सनट्रेट करो, उसमें भी रिवॉर्ड्स ठीक ठाक होते हैं क्योंकि आपको एक अटैक बूस्ट मिल जाता है बाय द एंड ऑफ इट, बट हाँ मोर इम्पॉर्टेंट इज 22 आवर सोलो इवेंट विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ रिवाइव एंड अ लॉट ऑफ यूनिट्स ऑन अ डेली बेसिस। एंड एक और पॉइंट नंबर 10 जो होता है वो है आपका
अलायंस इवेंट्स, ये जो अलायंस इवेंट्स ब्लू हो चुका है इस पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें पूरी टीम आपकी पार्टिसिपेट करती है और आप इस आपको बस एक चीज़ करने के लिए अगर मैं जैसे ही ये क्वेस्ट करूँगा मेरे को 200, 400, 750, 1250 ये मिल जाएंगे, 5 प्रीमियम हीरो क्रिस्टल मेरे को, ये रैंक अप रिसोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में बस एक क्वेस्ट करने पे, या एक परफेक्ट सीरीज़ खेलने पे, या एक बार अरीना खेलने पे। सो या आप अपने अलायंस के इवेंट्स पे ध्यान रखो। विलन यूज़ जैसे है इसमें भी काफ़ी आपको देख रहे हो, आप मेरे को 25 यूनिट फ्री में मिलेंगे, हफ्ते के हफ्ते नया नया इवेंट आते रहते हैं, समंदर एडवांसमेंट आता है इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं गाइस। सो या मे बी अवेयर ऑफ दिस कि जैसे मेरे में ये एक्सक्लेमेशन मार्क बना आ रहा है, आप ये किसी भी दिन ना छोड़ें एंड बी या कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग दिस। इसमें आपको बूस्ट भी मिलते हैं काफ़ी इवेंट्स में एंड या दैट्स अबाउट इट, दैट वाज पॉइंट नंबर 10। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है पॉइंट नंबर 11 जो है नो वेयर टू बाय, नो व्हाट टू स्पेंड योर लॉयल्टी ऑन। मैं लॉयल्टी कहाँ खर्चता हूँ, मेरे पास 3,90,000 की लॉयल्टी है, मैं सबको खर्चता हूँ जैसे बूस्टर आ जाते हैं उस पे। और किसके लिए यूज़ करता हूँ, जैसे कोई चैम्पियन जिसको ज़रूरत होती है, लेट्स से कॉर्वस ग्लेव इज़ फैंटास्टिक विद दिस बूस्ट एंड 8% अटैक बूस्ट ऑन स्पेशल डैमेज, दिस गाय रेड मैग्नेटो कलोसस डोमिनो कितना हेल्प करेगा, ये 8% का और अटैक आएगा गाइस। इसमें ये सब नहीं खरीदना होता, लेवल 3 हेल्थ अलायंस पोशन इसमें खरीदना होता है आपको मिस्टिक वाला मास्टरी कोर, क्योंकि मिस्टिक से आप मास्टरी अनलॉक कर सकते हैं मिस्टिक डिस्पर्जन की। यस गाइस, सो दैट दोज वर माय 11 टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियंस एंड प्रोग्रेशन टिप्स ऑल्सो। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, अलायंस मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स एंड कॉमेंट सेक्शन में डाल दो अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, या एड ऑन के लिए डाल दो आप क्या कैसे करते हो क्या नहीं करते, इट विल बी फन टू रीड एंड हाँ मेरे को भी समझ आएगा कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड या दैट्स अबाउट इट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।